क्या जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो छोड़ रहे हैं? क्या जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी और शो के प्रोड्यूसर आसिफ मोदी के बीच हाथापाई हुई है? क्योंकि ये सवाल पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं और सब इसका जवाब जानना चाहते हैं। तो आइए आपको इस वीडियो के जरिए पूरी जानकारी देते हैं। स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में, मैं आपके साथ कुणाल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोगों का पसंदीदा शो है। ये शो कभी अच्छे तो कभी बुरे कारणों से चर्चा में बना रहता है और एक बार फिर शो सुर्खियों में है और इस बार इसके पीछे का कारण कुछ अच्छे नहीं है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल गड़ा का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट छापी गई, जिनमें दावा किया गया कि शो के सेट पर उनके और आसिफ मोदी के बीच झगड़ा हुआ और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि दिलीप जोशी ने शो के प्रोड्यूसर आसिफ मोदी का कॉलर तक पकड़ लिया था। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन दिलीप जोशी ने इन खबरों पर अब रिएक्ट कर दिया है, अपना बयान भी साझा किया है। तो हम आपको वो भी बताएंगे कि दिलीप जोशी ने क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि दोनों के बीच जो तथाकथित झगड़ा हुआ है वो किस कारणवश हुआ है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में गोली का किरदार निभाने वाले कुश शाह की शूटिंग का आखिरी दिन था। वहीं दिलीप जोशी कुछ काम को लेकर आसिफ मोदी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब प्रोड्यूसर आए तो वो उनसे बगैर मिले ही कुश शाह के पास चले गए। आसिफ मोदी सीधे कुश से मिलने पहुंच गए और दिलीप जोशी इसी से नाराज हो गए थे। फिर क्या था, दिलीप जोशी को गुस्सा आया और उनकी आसिफ मोदी से बहस हो गई और दिलीप जोशी और आसिफ मोदी की बहस इतनी बढ़ गई कि एक्टर ने प्रोड्यूसर का कॉलर भी पकड़ लिया और इस दौरान उन्होंने शो छोड़ने की धमकी भी दे डाली। हालांकि बाद में आसिफ मोदी ने उन्हें समझाया बुझाया। अब इस पूरे विवाद पर जेठालाल यानी कि दिलीप जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने इन सभी अफवाहों से इनकार करते हुए कहा कि मैं बस इन सभी अफवाहों के बारे में सब कुछ साफ करना चाहता हूँ। मेरे और आसिफ भाई के बारे में मीडिया में कुछ ऐसी कहानियां हैं जो पूरी तरह से झूठी हैं और ऐसी बातें सुनकर मुझे वाकई में दुख होता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जो मेरे और लाखों प्रशंसकों के लिए बहुत मायने रखता है और जब लोग बेबुनियाद अफवाहें फैलाते हैं तो इससे ना केवल हमें बल्कि हमारे दर्शकों को भी दुख होता है। दिलीप जोशी ने आगे कहा, पहले मेरे शो छोड़ने की भी अफवाहें थी जो पूरी तरह से झूठी हैं और अब ऐसा लगता है कि हर कुछ हफ्ते में आसिफ भाई और शो को किसी ना किसी तरह से बदनाम करने की कोशिश में एक और नई कहानी आ जाती है। मतलब देखा जाए तो एक्टर दिलीप जोशी ने सोशल मीडिया में फैल रही सभी खबरों का खंडन किया है और वो शो छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं इस बात पर भी मुहर लगाती है। तो ये थी पूरी जानकारी इस मुद्दे पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जानकारी के लिए देखते रहेंगे न्यूज़ रूम पोस्ट।